लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पटना में घटा इलेक्ट्रिक बसों का किराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों संग की बैठक, देखा प्रेजेंटेशन। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका, 3 दर्जन नेताओं ने छोड़ी पार्टी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशवाहा पर कसा तंज। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शाहनवाज हुसैन शामिल। 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी सीपीआई माले। पटना के सुल्तानगंज में युवक का मिला शव, भीख मांग कर गुजारा करने वाली शादीशुदा युवती से दुष्कर्म। और 2 साल बाद एसटीटी का रिजल्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। महंगाई के दौर में बस यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी इलेक्ट्रिक बसों में अब आप 10 रुपए में सफर कर सकते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम ने नई इलेक्ट्रिक बसों का किराया काफी कम कर दिया है। कम दूरी की यात्रा के लिए 20 रुपए की जगह अब सिर्फ 10 रुपए लगेंगे। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सबसे पहले इसका किराया 40 से 50 रुपए रखा गया था। सरकार की किरकिरी हुई तो किराया को घटाकर 20 रुपए कर दिया गया। अब आज एक बार फिर इस पर पथ परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया। इसका मिनिमम किराया 10 रुपए कर दिया। जेडीयू में विलय से पहले बिहार में एक बार फिर रालोसपा को जोर का झटका लगा है। आज पार्टी के 35 नेता एक साथ आरजेडी में शामिल हो गए। इसमें प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला प्रदेश अध्यक्ष मधु मंजरी मेहता समेत अन्य शामिल हैं। झारखंड रालोसपा के भी कई नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा। राबड़ी आवास पर सादे समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबों को पार्टी में शामिल कराया। मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री आलोक मेहता आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी 41 लोगों ने रालोसपा से इस्तीफा दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि रालोसपा में अब उपेंद्र कुशवाहा अकेले रह गए हैं, उनका संगठन पूरी तरह से खाली हो गया है। आज उनके नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी से बाहर कर दिया और रालोसपा का आरजेडी में विलय करा दिया। उपेंद्र कुशवाहा अक्सर कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा आदमी साथ हो तो किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों संग बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाया। मुख्यमंत्री बोले, पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी काफी उपयोगी है। ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस ने डगमारा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, लेआउट, एडिशनल बेनिफिट आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। ये प्रोजेक्ट सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज से नीचे और कोसी महासेतु से थोड़ा ऊपर बनाया जाएगा। यह मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बिजली के निर्माण के साथ साथ कई अतिरिक्त लाभ होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में शामिल 40 नेताओं में से 2 बिहार के हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी से नीतीश कैबिनेट में शामिल उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को शामिल किया गया है। साथ ही भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को भी रखा गया है। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लिस्ट में नहीं रखा गया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर सीपीआई माले ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी है। आए दिन पार्टी की ओर से कोई ना कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करेगी भाकपा माले। यह घेराव रोजगार और किसान के मुद्दे पर होगा। घेराव को लेकर महागठबंधन में शामिल घटक दलों को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि घटक दलों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
शराबबंदी कानून के उल्लंघन मामले में विरोधियों के निशाने पर हैं राजस्व एवं भू सुधार मंत्री रामसूरत राय। उनके भाई के स्कूल में पिछले दिनों शराब मिली थी, इससे लेकर विधानसभा में भी विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया था। आज उनके पक्ष में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा उतरे। वे मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ज्ञान की कमी है, उन्हें पता होना चाहिए कि मंत्री रामसूरत राय का भाइयों से 2012 में ही आपसी सहमति से रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है, फिर यह सवाल कहीं से भी उचित नहीं है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने लंगट सिंह कॉलेज में 2 दिवसीय औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान का उद्घाटन किया। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय समेत अन्य अधिकारी भी और टीचर मौजूद रहे। अब जिलों की जरूरी खबरें। पटना में कभी हत्या तो कभी आत्महत्या का मामला सामने आते रहता है। ताजा घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में देर रात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर वाले इसे हत्या बता रहे हैं, वहीं आत्महत्या की भी बातें सामने आ रही है। पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक की आधार कार्ड से पहचान हुई है, उसका नाम इरफान है। बिहार में फिर हैवानियत की घटना घटी है। दरभंगा में भीख मांग कर गुजारा करने वाली 20 वर्षीय शादीशुदा युवती से अपराधियों ने गैंग रेप किया है। हैवानियत की यह घटना कमतौल थाना क्षेत्र के 200 बीघा गाछी में हुई है। पीड़िता सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार 3 लड़कों ने घटना को अंजाम दिया है, वे तीनों अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अंत में गुड न्यूज। लगभग 2 साल के इंतजार के बाद बिहार एसटीईटी का रिजल्ट आज शाम को जारी किया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रधान सचिव संजय कुमार और बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें 1,54,951 परीक्षार्थी शामिल थे तथा 24,599 परीक्षार्थियों को सफलता मिली। पटना हाईकोर्ट में मामला होने की वजह से इसका रिजल्ट पेंडिंग था। रिजल्ट जारी होने से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।